मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे की थीम के साथ बजट पेश किया है और इस बजट को लेकर विपक्ष जहां इसे चुनावी सौगात बता रही हैं, वहीं विपक्ष इसकी वहीं सत्ता पक्ष इसे विकासोन्मुखी बता रहे हैं। हमारे साथ सत्ता पक्ष के विधायक कुलदीप जुनेजा जी हैं। इस बजट को लेकर विपक्ष कह रहे हैं कि ये केवल लालीपॉप दिखाने वाली बजट है। ये बजट देखकर विपक्ष भी हैरान है, उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे। अंतिम छोर के व्यक्ति से लेकर बड़ा व्यक्ति, कितना बड़ा राजधानी का, प्रदेश का, सबको लाभ मिला है। किसी वर्ग को मुख्यमंत्री ने छोड़ा, हर व्यक्ति को लाभ दिया है। ये सोच रहे हैं कि अब चुनाव में हम क्या मूल्य के जनता के पास जाएंगे, क्या जनता को बोलेंगे और क्या जनता को हम लोग आश्वासन देंगे, करा देंगे। मुख्यमंत्री ने सारे लोगों की मांगें पूरी कर दी, जितना वर्ग था सबका, हर वर्ग खुश है। और वैसे भी मुख्यमंत्री जी के कार्य प्रणाली को पूरा देश मान रहा है। चार साल में उन्होंने जो काम किए हैं प्रदेश के अंदर में, पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा देश मान रहा है। और आज बजट जो उन्होंने पेश किया है, इसको भी पूरा देश मानेगा। विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री ने जितने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान किए, वो 6 महीने में कुछ हो नहीं पाएगा, केवल प्रचार प्रसार के ही काम आएगा। देखिए, सब चीज़ काम होता है और होगा। जब पास बजट में आ गया तो कोई भी काम ऐसा नहीं है रुकेगा, सारे काम होंगे। ये थे कुलदीप जुनेजा जी। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें तमाम जो काम होंगे और विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वे केवल इसे हतोत्साहित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।